हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 9 लेसन 2 द मैजिक पॉरेज पॉट। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है जो आज हम पढ़ेंगे। आपको बहुत ही मज़ा आएगा इस स्टोरी पढ़ने में। ठीक है, द मैजिक पॉरेज पॉट। हमने पहले आगे पढ़ा है पॉरेज किसे कहते हैं। ठीक है, पॉरेज मीन्स जो नाश्ता होता है सुबह का, जिसे दलिया कहते हैं। तो उस दलिये को यहाँ पे पॉरेज कहा गया है, जिसे हम दूध या पानी के साथ में बना के बॉईल करके खाते हैं, उसे कहते हैं पॉरेज। तो यहाँ पे एक मैजिक पॉट है जिसके अंदर, देखो ये रहा ये पॉट, जिसके अंदर ये पॉरेज बनता है। ठीक है, ये अपने आप मैजिक से होता है। तो चलो पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ठीक है, वंस देयर वॉज अ लिटिल गर्ल नेम तारा। अब देखो, एक बार की बात है, एक लड़की थी छोटी सी जिसका नाम था तारा। शी लिव्ड विथ हर मदर, वो अपनी माँ के साथ रहती थी। दे वेर वेरी पुअर। अब यहाँ पे पुअर मीन्स कि बहुत ही गरीब थे, पुअर मीन्स गरीब। ठीक है, तो वो लोग बहुत ही गरीब थे। वन डे शी वेंट टू अ फॉरेस्ट, एक दिन क्या हुआ, वो जो ये लड़की थी ना तारा, वो एक दिन कहाँ पे गई, फॉरेस्ट यानी कि जंगल में। वन डे शी वेंट टू अ फॉरेस्ट, एक दिन वो जंगल में गई। देयर शी मेट अ ओल्ड वुमन, जब वो जंगल में घूम रही थी ना, तो उसे एक ओल्ड वुमन यानी कि ओल्ड लेडी, जो दादी माँ जैसी थी ना, वो मिली। द ओल्ड वुमन गेव हर अ पॉट, ओल्ड वुमन ने क्या किया, एक पॉट, इसे कहते हैं पॉट। पॉट मीन्स कि एक बर्तन होता है मटके जैसा, जिसके अंदर खाना पकाया जा सकता है। ठीक है, तो ये ओल्ड वुमन मिली ना तारा को, तो ओल्ड वुमन ने क्या किया, एक पॉट तारा को दिया। द ओल्ड वुमन गेव हर अ पॉट, she said, this is magic pot, it will cook porridge for you when you say cook pot cook। अब यहाँ पे देखो, ये बूढ़ी जो औरत थी ना, मिली थी ना तारा को, उसने एक पॉट दिया तारा को और कहा कि ये एक मैजिक पॉट है, यानी कि जादुई मटका है ये, आप तुम ये मटका लेके जाओ और बोलोगी कि cook pot cook, तो अपने आप उसके अंदर पॉरिज बन जाएगा। दिस इज अ मैजिक पॉट, इट विल कुक पॉरिज फॉर यू व्हेन यू से कुक पॉट कुक, यानी कि तुम जब भी इस पॉट को देख के बोलोगे कि कुक पॉट कुक, तो उस वक्त इसमें अचानक ऑटोमेटिकली जादू से पॉरिज नाश्ता बन जाएगा। इट विल स्टॉप मेकिंग पॉरिज व्हेन यू से स्टॉप पॉट स्टॉप, और जब तुम खाना बनाना बंद करना चाहो या फिर खा के फिर तृप्त हो जाओ, तब तुम बोल सकती हो कि स्टॉप पॉट स्टॉप, तो इसमें पॉरिज बनना बंद हो जाएगा। देखो क्या कहा, याद रखना थी कि ओल्ड लेली ने उसे एक पॉट दिया जिसके अंदर कुक पॉट कुक बोलने से बहुत सारा पॉरिज अपने आप बनता है, और जब ये लड़की स्टॉप पॉट स्टॉप बोलेगी तब इसमें पॉरिज बनना बंद हो जाएगा। ठीक है, ऐसा मैजिकल पॉट एक ओल्ड लेडी ने तारा को दिया है। ठीक है, देयर वॉज वेरी हैप्पी, अब ये पॉरिज पॉट पाके तारा बहुत ही खुश हो गई। शी रैन टू हर मदर एंड सेड, मदर वी विल नो लॉन्गर बी हंग्री एज आई हैव गॉट अ मैजिक पॉट। अब यहाँ पे तारा बहुत ही खुश हो गई और अपने घर की तरफ भागी, अपनी मम्मी के पास, और वहाँ जाकर मम्मी को बोला, मदर वी विल नो लॉन्गर बी हंग्री, अब हम ज़्यादा देर तक भूखे नहीं रहेंगे। एज आई हैव गॉट अ मैजिक पॉट, अब मेरे पास एक मैजिक पॉट है। तारा सेड टू द पॉट, अब देखो तारा ने मैजिक दिखाने के लिए क्या किया, पॉट के सामने देखा और उस पॉट से कहा कुक पॉट कुक, एंड द पॉट कुक्ड पॉरिज।
अब देखो जैसे ही तारा ने कहा पॉट के सामने देख के कुक पॉट कुक, और तुरंत उस पॉट में क्या हुआ, पॉरिज बनने लगा। हर मदर वॉज वेरी हैप्पी एंड दे बोथ एट पॉरिज। देखो अब उसकी माँ भी ये देखकर, जादू देखकर बहुत ही खुश हो गई, और दोनों ने, माँ और बेटी दोनों ने बहुत सारा पॉरिज खाया। वन डे व्हेन तारा हैड गॉन आउट, एक दिन की बात है, अब तारा एक दिन बाहर गई थी, हर मदर फेल्ट हंग्री, उतने में उसकी जो मम्मी थी ना उसे बहुत ही भूख लगी। शी सेड टू द पॉट, अब उसको याद आया कि मेरे पास ऐसा एक पॉट है जिसके अंदर कुक पॉट कुक बोलने से पॉरिज बनता है, तो उसने क्या किया, पॉट के सामने बोला कुक पॉट कुक। द पॉट स्टार्टेड कुकिंग पॉरिज, जैसे ही उसकी माँ ने बोला कि कुक पॉट कुक, तुरंत ही उसमें पॉरिज बनना स्टार्ट हो गया। आफ्टर ईटिंग इट हर मदर सेड डू नॉट कुक पॉट, अब देखो जैसे ही पॉरिज बना तो उसकी माँ ने खाया, और फिर उसे बंद करने के लिए, पॉरिज को बनते बंद करने के लिए उसकी माँ ने क्या कहा, डू नॉट कुक पॉट, यानी कि अभी बनाना बंद कर दो। बट द पॉट वेंट ऑन कुकिंग, अब ये बोलने के बावजूद भी उस पॉट में से पॉरिज बनता ही गया, क्यों आपको याद है, वो मैजिक, वो पॉट देते हुए लेडी ने क्या कहा था, अगर स्टॉप करना हो तो क्या बोलना है, स्टॉप पॉट स्टॉप, तभी पॉरिज बनना बंद होगा। लेकिन यहाँ पे उसकी माँ को पता नहीं था कि क्या बोलना है, तो उसने क्या कहा, डू नॉट कुक पॉट, यानी कि अब खाना बनाना बंद कर दो पॉट। लेकिन फिर भी खाना बनना बंद नहीं होता। बट द पॉट वेंट ऑन कुकिंग, पर फिर भी जो पॉट था उसमें से पॉरिज बनता ही जाता है। सून द पॉरिज स्टार्टेड स्पिलिंग, अब यहाँ पे देखो स्पिलिंग का मतलब होता है कि कुछ चीज़ हम किसी में डाले और वो बर्तन से बाहर निकले, छलकना जिसे कहते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं स्पिलिंग होना। तो पॉरिज इतना बड़ा, इतना ज़्यादा बनने लगा कि वो अब मटके से बाहर निकलने लगा, देखो यहाँ पे निकल रहा है ना, ऐसे छलकने लगा। सून द पॉरिज स्टार्टेड स्पिलिंग ऑन द फ्लोर, अब ये सारा पॉरिज जो था ना वो बन बन के नीचे जमीन पे गिरने लगा। मदर कॉल्ड आउट अगेन, मम्मी, जो उसकी मम्मी थी ना उसने दोबारा ट्राई किया, वेट डू नॉट कॉल कुक एनी मोर, अब यहाँ पे देखो उसकी मम्मा ने फिर दोबारा ऐसे क्या कहा कि रुको अब और खाना मत पकाओ। बट द पॉट डिड नॉट स्टॉप, पर फिर भी जो पॉट था वो स्टॉप नहीं हुआ, उसमें पॉरिज बनते ही गया। मदर रैन आउट ऑफ द हाउस एंड द पॉरिज फॉलोड हर, देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब इतना सारा पॉरिज बन के नीचे गिरने लगा फ्लोर पे, तो उसकी माँ घबरा गई और वो घर के बाहर भागने लगी, तो जो पॉरिज था ना वो उसके पीछे गिर रहा था। सून देयर वॉज पॉरिज एवरीवेयर, अब जहाँ भी देखो वहाँ सभी जगह पे पॉरिज ही पॉरिज होने लगा। द होल विलेज सॉ इट, जो होल विलेज, विलेज मीन्स कि गांव जो होता है ना उसे कहते हैं विलेज, ठीक है, तो इतना सारा पॉरिज निकलने लगा कि पूरे गांव को दिखने लगा। दे रैन टू ईट द पॉरिज, अब सारे गांव वाले जो थे वो भी पॉरिज खाने को भागने लगे। व्हेन तारा केम बैक, उतने में तारा वापस आती है, शी सॉ द रोड वॉज फुल ऑफ पॉरिज, उसने देखा तो घर के बाहर और रोड पे सभी जगह पे पॉरिज ही पॉरिज बिछा हुआ था। She ran back as fast as she could. देखो यहाँ पे उसने क्या किया, वो जितनी भी जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी वो अपने घर पे जाने के लिए भागने लगती है। She heard her mother shout. उसने वहाँ पे क्या देखा, भागते भागते उसने सुना उसकी मम्मी बहुत ही चिल्ला रही थी जोर जोर से, तारा द पॉट इज कुकिंग एंड इट विल नॉट स्टॉप,
तारा जोर जोर तारा की मम्मी जोर जोर से तारा से कहती है कि तारा देखो ये पॉट तो कुकिंग किए ही जा रहा है, वो बंद नहीं हो रहा है। तारा कॉल्ड आउट, तब तारा कहती है स्टॉप पॉट स्टॉप एंड इट स्टॉप्ड कुकिंग पॉरिज। अब जब तारा घर पे आती है और वो पॉट से कहती है कि स्टॉप पॉट स्टॉप, तभी कुकिंग बंद हो जाती है मटके में से। ठीक है, तो ये थी हमारी स्टोरी, बहुत ही बढ़िया थी। ये तारा की मम्मा है, ठीक है। इससे क्यों पॉरिज पॉट बंद नहीं हुआ? क्योंकि वो गलत वर्ड बोल रही थी। उसे रोकने के लिए कौन सा वर्ड बोलना था? स्टॉप पॉट स्टॉप, तभी वो पॉट में से पॉरिज बनना बंद होता। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया स्टोरी है। चलो आज हम न्यू वर्ड उसका देख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। न्यू वर्ड से मैजिक, मैजिक मीन्स सुपर नेचुरल इवेंट जो होता है, जादू दिखाया जाता है, उसे कहते हैं मैजिक। कुक, कुक का मतलब होता है टू प्रिपेयर अ फूड। आपकी मम्मा खाना पकाती है तो उससे पहले बहुत सारी चीज़ें करती है ना, सब्जियाँ काटती है, चावल बनाने के लिए चावल साफ करती है, तो ये सारी चीज़ें जो करती है उसे कहते हैं कुक, टू प्रिपेयर फूड। फिर है पॉरिज, पॉरिज मीन्स बॉइल इन वाटर, वाटर या मिल्क के साथ जो बॉइल करके बनाया जाता है, वीट का होता है या फिर ऑल मल्टीग्रेन्स का होता है, वो नाश्ता जो होता है उसे कहते हैं पॉरिज। ठीक है, स्पिलिंग, स्पिलिंग मीन्स कि छलकना, टू ओवरफ्लो, फ्लो होना, ओवर ज़्यादा, बर्तन में से बाहर गिरने लगना, छलकना जिसे कहते हैं। ठीक है, फिर है वोल, वोल का मतलब होता है ऑल ऑफ एंटायर, यानी कि सभी जगह। विलेज, विलेज मीन्स अ ग्रुप ऑफ हाउसेस, जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, छोटे छोटे घर होते हैं, उसे कहते हैं विलेज। ठीक है, तो आज यहाँ तक करते हैं, एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, बाय, हैव अ गुड डे।